छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाली तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। इस तरफ देखिए, तूता धरना स्थल पर जो नियमितीकरण की मांग करने आए कर्मचारी हैं, वो तालाब में उतरे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं। क्या नारा लगा रहे हम लोग यहाँ पर उस काले कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसको दबाने के लिए 3 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। भूपेश बघेल सरकार ने कल इसमें लगाया है। हम इस कानून का विरोध करते हैं। एक शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इस जल सत्याग्रह के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अत्याचार का एक जवाब सत्याग्रह। सत्याग्रह ये बताइए कितना गहरा है? ये गहरा तो गले तक देख रहे हैं, जैसे पानी बहुत गहरा ही है, लेकिन पूछे रोके हुए हैं। लेकिन हम फिर भी शाम तक डटे रहेंगे, चाहे हमारी क्यों ना जान भी चली जाए, आज नियमितीकरण लेके रहेंगे। कितने लोग हैं नियमितीकरण मांग करने वाले लोगों की? जी, प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की 45,000 संख्या है और हम चाहते हैं कि उनका इसी अनुपूरक बजट में नियमितीकरण किया जाए, जो उन्होंने वादा किया है। नियमितीकरण नहीं होने से क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, जैसा कि हमने नारों के माध्यम से बताया, हमारा भविष्य असुरक्षित है, न बीमा है न पेंशन है। तबियत खराब हो रही है आपकी, सर्दी लग जाएगी? जी जी, पर हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम लगातार अनवरत शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये सत्याग्रह जारी रखेंगे। कब से प्रोटेस्ट में शामिल हैं? 3 तारीख से। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक सूत्री मांग, नियमितीकरण। 4.5 साल से की एक ही मांग है, नियमितीकरण। अच्छा, क्या कह रही है सरकार? संवाद करने आई नहीं रही है, डरी हुई है, एस्मा लगा रही है। जी, लगा दिया एस्मा? बिल्कुल लगा दिया, आपको तो पहले खबर होगी, शाम को ही लग चुका है, शाम को ही आदेश आ चुका है इस चीज का। हाँ। उसके बाद भी हमारी एकता देख ले ये सरकार। कितने लोग यहाँ पर आए हैं, जुटे हैं प्रदेश भर से? 45,000। 45,000 सब एक साथ हैं। एक बात बताइए, आप लोग, अभी चुनाव होने वाला है, कह ये रही है सरकार के प्रवक्ता लोग कि चुनाव है इसीलिए लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठा है। उन्होंने घोषणा पत्र पिछले चुनाव में बनाया था, 4.5 साल तक वो वादा करते रहे, लिखित में वादा है, लिखित में वादा है। घोषणा क्रम बिंदु क्रमांक 11 में लिखित में वादा है कि नियमितीकरण होगा। ये कहना कि हम चुनाव के लिए ये माहौल बना रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात। वो वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए हम मजबूर है आज ये जल सत्याग्रह करने को। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कर्मचारी से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे अब हमको मुंह कितना खोला जाए, गूंगे सिखा रहे अब हमको मुंह कितना खोला जाए। अपना वेतन खूब बढ़ाया, हम मांगे तो आग दिखाया। अपना वेतन खूब बढ़ाया, हम मांगे तो आग दिखाया। अपना वेतन खूब बढ़ाया। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर नियमितीकरण नहीं होता है, अगर आपका फैसला नहीं होता है, तो क्या करेंगे? ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, हम टूट के बिखर जाएंगे, लेकिन किसी आश्वासन पे आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। ये वादा लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार का वादा है। हम ये चाहते हैं आपके घर में आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी होगी, पर पूरा परिवार होगा, नौकरी चली जाएगी, दिक्कत होगा, उसी परिवार की सुरक्षा के लिए हमने आज यहाँ मजबूर है सड़कों पे आने के लिए। आपका क्या नाम है जी? संगीता। क्यों आए आप? नियमितीकरण के लिए। अच्छा, कितना जरूरी है नियमितीकरण? नियमितीकरण जरूरी है सर, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसके बगैर हम अधूरे हैं। अच्छा, ऐसे कैसे कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, कौन कौन सी कहानी पता है आप? कहानी बोले तो कहानी क्या है सर, आपको पता है ना, आजीविका चलाने के लिए हमको पैसों की जरूरत होती है, जॉब रहेगी तो ही पैसे मिलेंगे ना, ऐसे कैसे हमको सरकार कभी भी निकाल देती है। संविदा नियमितीकरण हमको चाहिए, संविदा में जब तक रहेंगे हम पे खतरा मंडराते रहेगा, हमको जॉब सिक्योरिटी चाहिए और नियमितीकरण लेके ही हम यहाँ से उठने वाले हैं, ये तो तय है। अरे, आज तो उठना पड़ेगा ना, बहुत पानी नहीं उठेंगे, आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो, यही नारे के साथ नियमितीकरण की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ के 45,000 कर्मचारी जो संविदा में काम करते हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं। रायपुर से बीपी न्यूज के लिए रही।